ए बाबू, रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं, गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओ, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोती, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी, लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छे हो तो गाँव भी अच्छा होगा ना। सॉरी, बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। हाँ ठाकुर विजय सिंह है यहाँ। ठाकुर विजय सिंह। अरे 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 मगर अरे 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 ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चल, चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ, चल भाई आगे चल। मुनीम जी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम पीछे मत बोलो, एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले ऐसे। दीजिए ना, एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ, असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चल चल आगे चल, चल बेकालू, तू आ जा, चल तू आ जा, चल 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 आगे चल, आगे ले, चल। अरे कौन है भाई, ये क्या कर रहा है भाई? अरे इसके बाप का दूध थोड़ा ये भाई, अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता भाई। अरे अरे क्यों क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत शक्ति कादर कृष्ण साधु कहा हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही छटके में नट बोल्ट ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है, धोबी तालाब में काम करता है क्या? मेरी तरफ आ रहा है, खिसक ले मनीम, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला, खिसक ले।
हुजूर नया ऑफिसर है, ये नया ऑफिसर। चुप है उल्लू के पट्टे, दिन में ही पी लेता है साला। बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप, इतना भी नहीं जानते कि ऑफिसर के सामने बैठने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस गांव में आने से पहले हमारी इजाजत ली जाती है। मैं तो ये कहने आया। आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। इस गांव को आप लोगों ने नर्क बना रखा है, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सुधारूं आप खुद ही सुधर जाएं तो अच्छा है। मेरा नाम राम। बहुत अच्छा किया बाबू तुमने उन सबकी छुट्टी करके, मैं तो समझी थी कि तुम ठाकुर के आदमी हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें टांगे से उतार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ, ना तो मेरी बात का जवाब देते हो और ना ही मेरी तरफ प्यार से देखते हो। ना तो ना सही, पर एक बात सुन लो बाबू, ठाकुर और उसके आदमी अच्छे लोग नहीं है। अरे गोपी आओ। गोपी ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव की देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर इसे इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी है, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती है। ये राम बाबू है, गाँव के नए अफसर। नमस्ते राम बाबू। ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है, इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो नया अफसर बहुत बदतमीज है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अरे नए नए तो जूते भी काटते हैं, छोटी सी बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत डालो, घबराओ नहीं, उस अफसर को मैं बहुत जल्द ही पालतू बना लूंगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की सरकार की, उसे आए कुछ ही दिन हुए और वो कमबख्त हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। बिजली सरकार, ये बिजली है जो दिन रात उस पर कड़कती रहती है, मैं तो समझता हूँ ये सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिजली कभी ऐसा नहीं कर सकती, बिजली तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी जान है वो। बनवारी सरकार। सुंदर चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है, मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ? मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली बहुत फायदे की बात है, मैं जरा आराम से बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ। अरे हाँ? तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, आए? आए? क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस बस ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूँ बिजली, ये सोले आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कवि कालिदास भी नहीं कर सकता है, तुझको नहीं मालूम तू क्या है। मुनीम तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी, चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा, मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? हैं? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है, हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार है। अच्छा? हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ। मेरी बात मान, हाँ कर दे, आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सजले सजले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए, काम हो गया।
अरे बिजली, तू जल्दी कर, सजी कि नहीं? हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। बदमाश, क्या करेंगे? अरे मैं क्या करें? मुझे दरवाजे के पास बिजली। अरे दूध गिरा। अरे मत, अरे मत गिरा। तुम्हें मार दिया। अरे मत, तुझे राजा बना रहा हूँ। तू मुझे जाकी बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? कमी ने। अरे बाप रे। साला चोर कहीं का। अरे मेरे कितना हो गए? अरे 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 मेरी तोबा, अरे मेरे बाप की तोबा, मेरे खानदान की तोबा, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। अरे पर हुआ क्या है? अरे सरकार, यूं पूछे क्या नहीं हुआ? जूते, चप्पल, झाड़ू, बर्तन जो उसके हाथ लगा चला दिया और अफ्रीका का नक्शा बना दिया मेरे फेस पर। तुमने हमारा नाम लिया था? आपका नाम? अरे सरकार, आपका नाम लिया होता तो वो खुद यहाँ चली आती और आपकी भी वही हालत करती जो मेरी की है। मैंने उसको झूठ बोल दिया, आप शहर में नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए काशी। अरे काशी, ये हिम्मत? एक सरदारी लाल जी, माफ कर दीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें घर से बेघर मत कीजिए। बाप की जगह समझ रखी है क्या? साला, निकाल दो बाहर इस कमीने को। कमीना होगा तेरा बाप। खबरदार जो मेरे बाबू को हाथ लगाया तो। तू देखता क्या है? एक बाजार तो तेरा पहले ही बंद है, दूसरा भी बंद। अरे क्या बनवारी पे हाथ उठा रही है? माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर देख साले। अरे ओ बिजली रानी, आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज तेरी झाड़ू नहीं चलेगी, आज मेरे साथ सरदारी है। गुरु, लड़की की ऐसी झाड़ पहुँच कर दो कि जिंदगी भर तड़पती रहे। अबे जा जा, किस भाई के लाल की हिम्मत है? अच्छा, बहुत चहक रही है। मुझे छोड़ कमीने। कौन है बे? अपने बाप को नहीं पहचानता? आप इस चक्कर में मत पड़िए साहब, ये हमारा आपस का मामला है। ओहो आप। चला दे बंबू, नहीं तो तनखा काट लूंगा साले। लगता है बहुत जोश है लौंडे को जवानी का। जवानी का नहीं, इंसानियत का। मगर ये तुम्हारा शहर नहीं, हमारा गांव है, और इस धरती पर वही होगा जो हम चाहेंगे। इस धरती पर जब जब पाप पड़ता है तब तब पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई पैदा हो जाता है। जान की सलामती चाहते हो तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, समझा? ठीक है, मगर अफसर हमारी ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मैं यहां हूं जो मैं कहूंगा वही होगा। जाओ, निकल लो, निकल जा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने हमें बेघर होने से बचाया। क्या कर रहे हैं बाबा? आप तो मेरे पिता समान हैं, और मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा मेरा फर्ज था। धन्य हो बाबू, धन्य हो। आप इंसान नहीं, देवता है बाबू। आपने हम गरीबों की इज्जत रख ली,